7 साल से फरार चल रहे अपहरण की एक आरोपी को डबरा से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेंद्र नामदेव सन ऑफ गोली नामदेव निवासी पैरा थाना चीनोर जिला ग्वालियर पिछले 7 सालों से गुना में हुए एक अपहरण कांड में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर धारा 352-365 IPC के तहत मुकदमा दर्ज था। साथ ही आरोपी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था, जिसको पकड़ने में पुलिस को काफी परेशानियां हो रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर द्वारा आरोपी सुरेंद्र नामदेव के डबरा में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम किया गया, जिससे उन्हें आरोपी सुरेंद्र नामदेव को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपी को पकड़ने में पुलिस टीम खरगापुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, PSI संजेश सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक भवानी, आरक्षक खड़क सिंह, चालक आनंद चौरसिया भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। सर क्या मामला है? मामला ये है कि अपराधी ये जो हमने कल गिरफ्तार किया है, ये 2011 से IPC की धारा 352-365 में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश ये मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित टीम एक टीम बनाई गई, जिसे कल सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी डबरा में घूम रहा है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त आरोपी डबरा में घूम रहा है। तो हम लोग सूचना की तस्दीक हेतु डबरा पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ, जहाँ पर देखा कि ये बस स्टैंड पर घूम रहा था, जो कि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, जिसे घेराबंदी करके हम लोगों ने पकड़ा। और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेंद्र सन ऑफ गोली नामदेव, निवासी ग्राम पेरा थाना चिनौर जिला। किस केस में फरार थे? IPC की धारा 352-365 अपहरण के केस में। इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया।